हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं देबाशीष सारंगी। क्रिक ब्लॉग पर ये राइटर हैं। मैं खुद इनके ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, इनके आर्टिकल्स। जो सैम करन वाला इनका पिंड जो आर्टिकल है वो बहुत अच्छा है, और इनकी जो है इनसाइट वो काफी डीप है। ये हवा में बातें नहीं करते, इसीलिए इनसे बात करने का बार बार मन भी करता है। तो हेलो देबाशीष। हेलो सर, थैंक यू, इट्स अ लवली इंट्रोडक्शन। ऑनेस्टली वो तो जो है वो है। तो जो मुझे तुमसे बात करनी है वो मेन ये कि इंडिया ने पिछले दो मैचेस जीते कॉम्प्रिहेंसिवली, लेकिन बात क्या है कि ये जीतना एक न्यूज नहीं है, ये एक नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है कि आप जीतोगे। इंडिया जैसे हारी पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से, वो भी एक नॉर्मल सी चीज है। चलो आप कभी भी हार सकते हो, लेकिन आप बायलैटरल में हारते हो या जीतते हो उतना मैटर नहीं करता। जब आप एक वर्ल्ड इवेंट में, भाई जिसके लिए आप इतनी प्रिपरेशंस करते हो कि एक साइकिल होता है कि जब वो एक इवेंट ओवर हुआ तो एक साइकिल खत्म हुआ, आप अगले इवेंट के लिए अपनी टीम बिल्ड करोगे कि आपको वहीं परफॉर्म करना है। करंट सिचुएशन में उसके लिए आप सिमुलेट करते हो, अलग अलग तरीके से एक टीम बनाते हो, जल सब कुछ उसी के लिए प्लानिंग चलती है। और जब वहां पर आके आप फॉल्टर कर जाते हैं तो फिर नेचुरल है, लॉजिकल है कि गुस्सा भी आएगा। भाई जो लोग उतने इमेच्योर नहीं है वो सिर्फ रिजल्ट्स के टर्म्स में देखेंगे क्यों ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ, और हाँ जो थोड़ा डीप एनालिसिस रख सकते हैं वो देखेंगे यार कुछ तो रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो, कितनी उसने एनालिसिस कर रखी हो, टीम को कितने भी सालों से फॉलो कर रहा है, मैंने किसी का भी इस तरह से आर्टिकल नहीं पढ़ा था या वीडियो में सुना हो टीवी पे, यूट्यूब पे या कहीं भी कि नहीं यार इंडिया का कोई चांस नहीं है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इंडिया को इस तरह से हरा देंगे जैसे वो हुआ। हाँ एक दो सिलेक्शंस को लेकर इश्यूज थे सबके कि चहल क्यों नहीं है, अश्विन कैसे आ गया, कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग फिट है या नहीं, या भुवनेश्वर फिट है या नहीं, किसकी ईशान किशन की जगह बनती है या नहीं, ओपन कौन करेगा या नहीं। लेकिन हाँ ये एक इश्यूज ऐसे थे जो हर टीम के अंदर है, कोई भी टीम परफेक्ट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मान लीजिए कल को अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा भी देती है और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, और उसके बाद वो दोनों मैचेस, खैर वो तो बहुत आगे की बात होगी, लेकिन क्या क्या उससे ये पीछे के सवाल छिप सकते हैं, या वाकई में कुछ सवाल एग्जिस्ट करते भी हैं, या हम ऐसे ही मान के चले कि यार दो मैचे हो जाते हैं, इंडिया तो बहुत बड़ी टीम है, उनसे अच्छा विन लॉस रेशियो किसी का भी नहीं है। तो ये एक काफी लंबा आ गया इसके पीछे, और क्वेश्चन सिंपल सा है जो आपको पता है कि क्या है, क्या उन दो लॉसेस को हम किस रूप में देखें, किस लिहाज से देखें। नहीं, हम तो इग्नोर तो नहीं कर सकते क्योंकि अ डिफिट इज अ डिफिट, और बिगेस्ट स्टेज में अगर आप हार रहे हो तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है, और बैक टू बैक आप दो मैचेस हार रहे हो, बैक टू बैक आप सेम तरीके से हार रहे हो, बहुत बुरे तरीके से हार रहे हो, और दोनों केसेस में आप देखो पहली बैटिंग, फर्स्ट बैटिंग थी वो हमारी हुई थी, ठीक है, जहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव था, और हमारे मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्लेयर्स जो भी शॉट एग्जीक्यूट कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो रेकलेसली खेल रहे थे, उन्होंने बहुत कॉशियसली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बहुत कॉशियस स्टार्ट था हमारा, लेकिन जब भी उन्होंने एग्जीक्यूट कुछ करना चाहा वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ये था प्रॉब्लम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई हो, या फिर उन्हें जो आईपीएल में जो प्रैक्टिस चाहिए थी, जिस तरह की प्रैक्टिस चाहिए थी वर्ल्ड कप से आने से पहले, वो उनको मिल नहीं रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हमने ऐसे कुछ प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं जिनको इस तरह के पिचेस पे जो थोड़ा टैकी सर्फेसेस है इसमें बैटिंग करना उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर वो कनेक्ट सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम एक हो सकता है। और अगर आप रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो हमारा बैटिंग फर्स्ट जब हम करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड भी उतना सही नहीं है, ठीक है, हम हमेशा सेकेंड बैटिंग करने की सोचते हैं, जब भी हम टॉस जीतते हैं तो हम बॉलिंग ले लेते हैं और चेस करने की सोचते हैं। आप अगर न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी आप देखो तो एक मैच में इंडिया ने 203 या 204 चेस कर लिए 18 या 19 ओवर, लेकिन बाद में जो 3 T20 खेले उन्होंने, जब उनको पहले बैटिंग का मौका मिला, न्यूजीलैंड के ट्रैक्स तो अक्सर अच्छे ही होते हैं, तो उसमें भी उन्होंने 165-156 ऐसा मॉडरेट टोटल्स उन्होंने बनाया था, और जो कि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट चेज भी कर लिया था न्यूजीलैंड ने, और सुपर ओवर तक मामला चला गया। तो बैटिंग फर्स्ट में कहीं ना कहीं क्लैरिटी कम रह रहा है इनका कि हम किस बॉल को अटैक करें, किस हमें हम कितना टारगेट हमारे लिए सेफ होगा इस विकेट, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की कमी मुझे महसूस हो रही है। तो अप्रोच, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके पास प्लान नहीं होगा, अगर आपके पास प्लान नहीं होगा तो आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मैं ये सोचता हूँ। बिल्कुल सही बात, इस चीज से मैं भी अग्री करूंगा कि हाँ
अगर प्रॉपर प्लान नहीं है। अब मैं वो वाली बात नहीं करूंगा जो एक सपोज करने वाली है कि यार आईपीएल को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरनेशनल क्यों नहीं, भाई ये सब हमें पता है क्या है और कैसे होगा, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज्यादा जरूरी है, हम उसे हटा सकते हैं। लेकिन क्या कुछ चीजें हैंडल करते वक्त, मतलब लेकिन हम हर चीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते। नंबर सिक्स, हम जानते हैं कि T20 क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंट पोजिशन है। हार्दिक पांड्या को हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत नीचे उतारा कि जडेजा को भाई लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड उसे सिर्फ 8-10 बॉल्स खेलने को मिले, लेकिन दूसरे मैच में हार्दिक पांड्या ने 23 बॉलें खेली, 23 बॉल्स ही प्लेड, लेकिन हमें नहीं लगा कि वो अच्छे निक में है, वो उतना कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इतना दिख जाता है जितने टाइम से हम क्रिकेट देख रहे हैं। तो क्या यहाँ पे नहीं लगता कि यहाँ पर बोर्ड को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फैंस की तरफ, या जो हमारे जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या जिनका एक्सेसिबिलिटी है कि यार आप वो क्वेश्चन पूछो कि जब आपके पास एक एनसीए, आपका हर प्लेयर एनसीए में जाता है रिहैबिलिटेशन के लिए, तो हार्दिक पांड्या वहां क्यों नहीं जाते? मतलब ये फुटबॉल नहीं हो रहा यार कि जहां पर है कि भाई मेसी अर्जेंटीना के पास नहीं जाएगा, उसको बार्सिलोना ही मैनेज कर रहा है, वहां हमें पता है बार्सिलोना किस लेवल का है, लेकिन क्या एमआई एनसीए से अच्छा है कि जो वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है? तो ये कैसे हो सकता है? और जब वो अगर वो एमआई के स्टाफ पे ट्रस्ट कर रहा है तो फिर हम ये कैसे मान लें कि वो विराट कोहली पे एज अ कैप्टन ट्रस्ट कर लेगा जितना कि वो रोहित कैप्टन पे ट्रस्ट करता है? तो फिर बहुत सारी चीजें हैं वो, इतना जब कुछ गलत होता है तो हमें फिर सोचना पड़ता है 50 चीजें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके हिसाब से? इशू तो है, देखिए अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, ठीक है, हम हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं और आप एक ऐसे प्लेयर को बैक कर रहे हो जो जिसका रिसेंट रिकॉर्ड भी सही नहीं, ना कि वो बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग भी तो वो नहीं कर रहा है, बहुत साल उसके हो गए, बहुत साल हो गए बहुत मैचेस में उसने बॉलिंग नहीं की, एमआई के लिए भी उसने बॉलिंग नहीं की, तो बॉलिंग की प्रैक्टिस तो हुई नहीं, नेक्स्ट में पता नहीं क्या हो रहा है और बिहाइंड द सीन सब कुछ हो रहा है, तो हमें भी कुछ क्लैरिटी लग नहीं रहा है, हम क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो इनका एक गलती मैं ये बताऊंगा कि इन्होंने बैकअप्स नहीं रखे। अगर आप देख रहे हो कि आपका एक प्लेयर इंजर्ड है और आपके पास प्लान होना चाहिए कि हम 5 बॉलर्स लेंगे या फिर 6 बॉलर्स लेंगे, 6 बॉलिंग ऑप्शंस अगर हमें चाहिए तो हमें हार्दिक पांड्या का बैकअप भी जरूरी है हमारे लिए, और अगर आप 5 बॉलर्स ले रहे हो जिसमें से एक आउटडेटेड ऑलरेडी है, भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग आउटडेटेड में बता रहा हूँ, वो आउटडेटेड ही हो गया है, ना उसके पास पेस है, ना उसकी बॉल स्विंग हो रही है, ना उसकी डेथ में कोई वैल्यू है, एक आधा मैच तो कोई भी जिता देगा लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो हम मूवी से एक्सपेक्ट करते थे 3-4 साल पहले, 2017 में वो टिक पे था जब वो 140 में यॉर्कर्स भी डाल रहा था और बॉल अच्छी खासी स्विंग भी करा रहा था, पावर प्ले में हमें विकेट्स नहीं मिल रहा, तो इस ये भी बहुत एक बड़ा रीजन है कि हम लो टोटल्स डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप अपने बैटिंग को इतना भी स्ट्रॉन्ग मत समझिए कि वो 180-190 बना देंगे स्कोर, ठीक है, तो आपको एक बैकअप चाहिए होता है कि बैकअप ये लोग प्रिपेयर नहीं रखते। हार्दिक पांड्या का बैकअप किसी को भी बनाया जा सकता था, अब्दुल समाद वहां पे उसको बनाया, ग्रूम किया जा सकता था, वेंकटेश अय्यर को कुछ साल को कुछ दिन पहले उसको ला सकते थे, जिसका अभी इस आईपीएल में लाए, अभी लाए इसलिए नहीं खेला पाए, तो उसके पहले भी उसको ग्रूम किया जा सकता था, वो केकेआर के लिए प्रेजेंट था, कहीं ना कहीं हमारे मिस्टेक्स आने नजर में आने शुरू हो गए। बहुत अच्छी बात बोली आपने देव की बैकअप्स नहीं बना, मतलब हमारे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं है, हम आईपीएल को भी हटाते हैं, हमें सही टैलेंट की कमी नहीं है। एग्जैक्टली भाई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है आपके पास, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, सबकी नजर उसके ऊपर रहती है, फिर आईपीएल हो गया और वो उससे जस्ट पहले हो रहा है, आपको एक साल से दिख रहा है कि हार्दिक का इशू है, तो आपको एक फास्ट बॉलिंग या मीडियम पेस ऑलराउंडर भुवनेश्वर कुमार है, उसको हम मतलब कितनी बात हुई थी कि वो इंग्लैंड की स्क्वाड में क्यों नहीं है टेस्ट मैचेस की, तो सबका यही था कि भाई उसको T20 वर्ल्ड कप के लिए, भाई वो थोड़े फ्रजाइल है, उसकी बॉडी उतना वो नहीं खेल सकता इसीलिए उसको रखे, लेकिन एंड रिजल्ट क्या आया, वो बंदा सिर्फ एक मैच खेला है, उस मैच में वो पूरी तरह से ऑफ कलर दिखा, मतलब आपके पास ले देखे एक बुमराह दिखता है, शमी ऑफकोर्स ऑन एंड ऑफ डेज हो सकते हैं, अगर रविंद्र जडेजा आपका फिफ्थ बॉलर है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज दूसरी टीम्स को भी दिखती है, आजकल हर कोई समझदार है कि इनके पास एक बुमराह अटैकिंग बॉलर है, उसके भी 4 ही ओवर्स वो कर सकता है, तो और एग्जैक्टली आप हर मैच में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी बैटिंग 180 या 190 बनाएगी, या फिर मान लो आपको 200 भी बना दिए, तो
क्या आपके पास ऐसी बॉलिंग है जो 200 को डिफेंड बैटिंग कर के पाए? पास तो क्लैरिटी ही नहीं कि वो कितना बनाएंगे, उनके पास तो क्लैरिटी नहीं है। वो पहले बैटिंग में जाते हैं तो आराम से 6-7 ओवर निकलते हैं, फिर मारने की कोशिश करते हैं, जो एग्जीक्यूट नहीं होते वो आउट होते हैं, ये हो रहा है। और बॉलिंग तो आपने डिफेंसिव पिक की हुई है, अगर आप बैटिंग को अपना बैक कर रहे हैं तो ऐसे अप्रोच के साथ बैटिंग करो कि आप 190-195 बनाओ, या फिर इस तरह के पिचेस पे 175-180 भी एक चैलेंजिंग टोटल हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की बहुत कमी मुझे नजर आती है दोनों गेम्स में, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उनके पास प्लान रेडी था, वो रोहित के लिए पहला पहला बॉल जो बोल्ट ने डाला वो बाउंसर था, उन्होंने फाइन लेग पे फील्ड करा करा है। ईश शोडी के लिए उन्होंने मिड ऑन आगे थोड़ा बुला लिया था, तो उनके पास प्लान थे। सही बात है, मतलब वो भी वही आईपीएल खेल रहे हैं सारे प्लेयर्स, लेकिन वो लग रहा है। और ये अब एक रिपीटेड प्रॉब्लम है भाई, सेंटनर और सोडी के अगेंस्ट अगर आप एक भी चौका नहीं मार रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। जब आप मारने की कोशिश कर रहे हो उसी बॉल पे आप आउट हो जा रहे हो, वो और वो आउट भी जिस तरह से हो रहे हो वो देखने में गंदा लग रहा है, भद्दा लग रहा है, चाहे वो रोहित का शॉट हो चाहे कोहली का शॉट हो। भाई चलो राहुल का शॉट समझ में आता है, ईशान का कि हाँ वो कि टाइम ही इतना अच्छा हो गया, उसने पावर नहीं लगाई थी कि सीधा वो प्लेयर तक पहुंचा। ईशान का अच्छा शॉट, सिर्फ ईशान का अच्छा शॉट था, राहुल का प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं था। हाँ भाई समझ में आता है कि चलो बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप मुंबई में 60-65 मीटर पे मार लेते हो वो छक्का, वो वहां पे 80 मीटर पे नहीं गया। बट अगेन स्टिल स्पिन के अगेंस्ट तो हमारी प्रॉब्लम दिख रही है। हम किसी भी एक नॉर्मल स्पिनर को बड़ा स्पिनर बना देते हैं, चाहे वो मोइन अली हो जाए या कोई भी हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब एक जो सबसे 5 विकेट ले गया था हमारे अगेंस्ट, हाँ मतलब ये चीज नहीं दिखती है। मतलब विराट कोहली, मतलब हमने रहाणे को टेस्ट मैचेस में देखा है, वो कभी नहीं लगा कन्विंसिंग स्पिन के अगेंस्ट कि वो कैसे खेलेगा कैसे नहीं खेलेगा, तो ये प्रॉब्लम आगे जाएगा पीछे जाएगा मोइन अली के अगेंस्ट। एग्जैक्टली, वो कभी भी श्योर नहीं होता था टेस्ट मैचेस में। अब और मुझे ये लगता है कि जैसे खैर ये थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाएगा, अभी हम मयंक अग्रवाल को मानते हैं कि हाँ यार वो बड़ा अच्छा है स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन शायद वो इसीलिए है, वो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। क्या पता जब वो इंडिया रेगुलर हो जाएगा तो उसे वर्क करने का मौका मिलेगा या नहीं अपनी बैटिंग पे, कि जो अपने फ्लॉज को सुधार पाए वो, जो अब मुझे लगता है कोहली ने शायद 5-6 साल हो चुके उसे कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले, या रोहित शर्मा को हो गए, तो वो एक प्रॉब्लम है कि अब तो आपके पास इतने प्लेयर्स हैं कि आप चलो यार किसी एक नॉर्मल से ओडीआई टूर पे या टी20 टूर पे बाकी प्लेयर्स को भेज दो, आप इनको बोलो कि यार आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को सुधारो, क्योंकि अभी मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम ये है कि इन प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता कि अपनी गलतियां सुधार भी पाए या उस पर सोच भी पाए यार कि मैं कहां लैग कर रहा हूं या मुझे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। एग्जैक्टली, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मुझे, खैर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैच शुरू हो रहा है तो उसको भी देखना है। इंडिया का हमेशा से, मतलब गांगुली के टाइम से एक सक्सेसर रेडी रहा है, कि पता है द्रविड़ रेडी था, खैर बीच में कुंबले ने किया लेकिन वो भी एक स्मूथ था, पता है भाई आपस में लीडर्स का एक रोल डिफाइंड था, सब रिस्पेक्टेड थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। फिर धोनी आए, धोनी के बाद पता था कि यार हमें कोहली ही कैप्टनसी करेगा, लेकिन इस टाइम जो इतनी जो लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रही है, और वो एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब वो हम इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे थे पिछले 20-25 साल से, मुझे देखने की आदत नहीं थी। रोहित शर्मा को हम कैसे मान सकते हो, वो आपका नेक्स्ट कैप्टन होगा जो कि 35 साल का होने वाला है, और आप हमेशा वाइस कैप्टन, अभी तक हम केएल राहुल की बात कर रहे हैं लेकिन वो वाइस कैप्टन भी नहीं बनाए अभी तक किसी भी इंडिया यूनिट का, और हमने उसको किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कैप्टनसी करके देख लिया कि वो उस कैप्टनसी में कुछ प्लेयर्स होते हैं जो निखर जाते हैं, और कुछ होते हैं वो उसका प्रेशर अपने लिए ले लेते हैं कि नहीं यार मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है। मतलब जो नेचुरल लीडर होता है, तो कोहली है वो नेचुरल लीडर दिखता था कि वो, और उसकी बैटिंग के एवरेजेस और इम्प्रूव हुए थे कैप्टन बनने के। ऑब्वियसली अब 5-6 साल हो चुके हैं तो हर कोई उसका एक मेंटल टोल आता है कि आपको पूरे टाइम वो करना है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई केएल राहुल ऑफकोर्स होपफुली अच्छा ही करे, लेकिन वो ना ऋषभ पंत दिल्ली के लिए भी ये दोनों नेचुरल लीडर्स जैसे नहीं लगे, या संजू सैमसन को हमने देखा उसको नहीं लगता था कि टीम उसके पीछे है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ऑप्शंस यही है और कोई ऑप्शंस नहीं है कि जिसको आप कैप्टन बनाओगे? नहीं, मेरे हिसाब से आप अभी अभी के लिए सिर्फ नेक्स्ट वर्ल्ड कप पे फोकस कीजिए, 2022 T20 वर्ल्ड जो एक साल बाद आने वाला है, ठीक है? तो वहां के लिए तो आप रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन ऑप्शन, मैं तो उसको ही देख रहा हूँ, ठीक है? एक साल है तो प्रॉपरली वो अपनी अपनी आइडिया लेकर टीम बिल्ड करे। राहुल द्रविड़ भी आ रहा है जो कि बहुत अच्छा टैक्टिशियन माना जाता है, ठीक है? तो वो अपने अपने आइडियाज यूज करके
वो अपने टीम बनाए, अपने कोर ग्रुप बनाए और क्लैरिटी प्रोवाइड करे। जैसे मुंबई इंडियंस में क्लैरिटी है कि कोई वहां पे डर के नहीं खेलता, विकेट चाहे जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई डर के नहीं खेलता। वो कायरन पोलार्ड हो या फिर हार्दिक पांड्या हो या फिर ईशान किशन हो, ये उस एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट ही ऐसी। मैं इसलिए मुंबई का फैन हूँ क्योंकि वहां पे क्लैरिटी दी जाती है, सबका अलग अलग रोल होता है और वो एक अच्छे तरीके से उनको यूज कर। तो रोहित को चांस दिया जाए, वो अपने तरीके से टीम एक बिल्ड करे और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल के लिए तो केएल राहुल को आई डोंट थिंक कैप्टेंसी देना सही होगा। रोहित के अंडर उसको ग्रूम किया जाए और रोहित के जाने के बाद केएल राहुल ऑब्वियसली ऑब्वियस चॉइस। मतलब ये थोड़ा सेंसिबल साउंड मुझे करता है कि हाँ चलो, जब एक साल बाद ही वर्ल्ड कप है, विराट एक साल तो रहने ही वाला है, आपका ऑलमोस्ट यही कोर रहेगा, अब रोहित को एक साल के लिए बनाओ और एक साल के लिए विराट इन ऑस्ट्रेलिया, विराट द बैट्समैन आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो पेस का बहुत अच्छा प्लेयर है। बिल्कुल, और रोहित विराट रोहित दोनों चाहिए आपको, कट पुल, और इनफैक्ट राहुल भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करेगा, और राहुल का उसका वाइस, अब आपको टाइम है उसे, अब एक प्रॉपर वाइस कैप्टेंसी रोल दो कि भाई एक साल बाद आप कैप्टेंसी करोगे। हाँ, तो वो डिसीजन समझ में आता है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो वो एक राइट स्टेप होगा। इस वक्त राहुल थोड़ा इमेच्योर हो जाएगा, अभी उसने अभी इंग्लैंड टूर से ही अपना एक ऑल फॉर्मेट बैट्समैन, अब हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो अब जाके हमारा एस्टैब्लिश हुआ है ऑल फॉर्मेट, इंग्लैंड उसका कमबैक टूर था। तो या तो आप स्प्लिट कैप्टेंसी रखो, जो मुझे नहीं लगता इंडिया में एक अच्छा आइडिया होगा या कभी हो पाएगा, लेकिन अगर है तो फिर एक साल तक, और विराट टेस्ट कैप्टेंसी का तो हमें लगता ही नहीं कि कोई मसला है, वो तो अभी टेस्ट में तो कैप्टेंसी करनी वाले। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि केएल राहुल, ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स, ये जो फ्री फ्लोइंग प्लेयर्स है, फ्री खेलने वालों में से है, इनको कभी इनके ऊपर कैप्टेंसी का दबाव नहीं डालना चाहिए, कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ये मेरे हिसाब से सही होगा। तो केएल राहुल को अभी के लिए थोड़ा इसमें से दूर रखा जाए, ठीक है, और बाद में हमें अगर पृथ्वी शॉ या जायसवाल जैसे ओपनर्स मिलेंगे जो हमारे लिए पावर प्ले में आके अटैक करेंगे, तो हम उस वक्त केएल राहुल को मे बी हम कैप्टेंसी के जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप जाओ लंबा खेल, जिससे पंजाब के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, ये अग्री करता हूँ मैं, यही बात मैंने भी बोली थी कि ये दोनों लगा जब इन्होंने कैप्टेंसी करी कि ये बॉक डाउन हो गए थे उस रोल में, ये बंद गए थे, उतना फ्रीली नहीं खेल पा रहे थे, चाहे वो उनको कोचिंग स्टाफ ने बोल के तो रखा कहीं ना कहीं ध्यान में आता रहता है। हाँ, मैं कैप्टन हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होके खेलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना है। मतलब आप नेचुरल होते हुए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, ये बात जो समझ जाता है वो तो अच्छा कर जाता है, लेकिन जैसे ही आपने अपने गेम को चेंज किया फिर आप कहीं के नहीं रहते हो, फिर तो आप एक अजीब ही बैट्समैन या बॉलर बन के निकल के आते हो। राइट, तो ठीक है देव, इस सेशन को फिर हम रिस्पॉन्सिबल वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, मतलब आपको अगर 12 रन प्रति ओवर चाहिए तो आप अटैक करो, वही आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप पहले आके डिफेंसिव गेम ही खेलोगे तो फिर उसको मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता, आउट हो जाओ मारने के चक्कर में कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मारने का ही है, ठीक है। T20 को आप सिचुएशन के हिसाब से देखो, सिचुएशन गेम, इट इज सिचुएशन गेम, सिचुएशन बेस्ड गेम। ओके, आई गेस बहुत है आज के लिए, फिर अपन रात में करते हैं या। थैंक यू देव, चलो बाय।